जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। पिछले साल UPSC की परीक्षा में लास्ट अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स को इस साल एक मौका और मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में UPSC ने ये बात कही। इससे उन कैंडिडेट्स को फायदा होगा जो परीक्षा में अधिकतम बार शामिल हो चुके हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को किसानों के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं संजय राउत ने कहा कि जो सरकार से सवाल पूछता है उसे देशद्रोही बोल दिया जाता है। सदन में हमारे सदस्य है संजय सिंह, उन पर राजद्रोह का मुकदमा है। राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों और लेखकों पर भी देशद्रोह कानून के तहत मुकदमा ठोक दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं में किसान आंदोलन जारी है। किसान चक्का जाम करने की तैयारियों में जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने 6 फरवरी को 3 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया है। इसे लेकर पुलिस भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। दिल्ली NCR में CRPF की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात CRPF की सभी यूनिट से कहा गया है कि वे अपनी बसों पर लोहे का जाल लगा लें। स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। उन पर हिंदू देवी देवताओं, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप है। वे इंदौर की केंद्रीय जेल में करीब 1 महीने से बंद है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी रिहाई होगी या नहीं, क्योंकि इस मामले में उन पर कई जगह केस दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल पूरी तरीके से खुल जाएंगे। इसके अलावा 10 फरवरी से ही कक्षा 6 से ऊपर के स्कूल खुल जाएंगे। इसका फैसला शुक्रवार को लिया गया। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में गुरुवार देर शाम 4 साल की बच्ची की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी इससे पहले मृतक बच्ची की चाची के बलात्कार के आरोप में 6 महीने की जेल की सजा के बाद कुछ दिनों पहले जमानत पर रिहा होकर गांव लौटा था। नाराज परिजनों ने आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर सबलगढ़ में चक्का जाम कर दिया है। अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दिए गए आवेदन को वापस ले लिया है। फाइजर दुनिया की दिग्गज दवा कंपनियों में से एक है और कंपनी ने भारत में अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। फरीदाबाद में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, महिला को बचाने की कोशिश में उसकी 2 बेटियों की भी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई नरेंद्र नाथ और उनकी पत्नी सुमन नाथ की सनसनीखेज हत्या कर दी गई है। दोनों पति पत्नी के शव उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के Alpha 2 सेक्टर के I-24 में पाए गए। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों की हत्या गला घोटकर की गई है। इस दौरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।